कोई भी एंड्रॉयड डिवाइस में अगर आपको iOS का कीबोर्ड इंस्टॉल करना है तो आप काफ़ी इजीली iOS का कीबोर्ड को इंस्टॉल कर सकते हैं। ये देख सकते हैं, ये आपका डिफॉल्ट जीबोर्ड है जो कि ऑब्वियसली आपका भी एंड्रॉयड डिवाइस में होगा, या आप कोई भी जो है आप कीबोर्ड यूज़ कर रहे होंगे तो आप iOS का कीबोर्ड इंस्टॉल कर सकते हैं। बेसिकली एक APK है जो कि इंस्टॉल करने के बाद आपको iOS का कीबोर्ड मिल जाएगा। तो ये आपका iOS का कीबोर्ड जो कि देख सकते हैं, ऐसा कुछ आपको लुक देखना मिलेगा। इसमें आपको जो है दो आपका लुक भी देखने मिलता है, जैसे कि आपका एक डार्क और लाइट मोड। तो इसको आप होल्ड करके रखिएगा तो आपको और भी लैंग्वेजेस को सेट करने का ऑप्शन देखने मिलता है, जो कि ऑब्वियसली मेरा डिफॉल्ट इंग्लिश होगा, आपका भी इंग्लिश होगा, और भी आपको ऑप्शन देखने मिलता है। कुछ ऐसा आपको लुक देखने मिल जाएगा। कीबोर्ड आपको एकदम iOS वाला जो फील वो आपको दे सकता है आपका। और अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए था iOS वाला कीबोर्ड आपका एंड्रॉयड डिवाइस में, तो वो भी आप कर सकते हैं। इमोजीज भी आपको देखना मिल जाएगा नया कुछ, और ऐसा कुछ नया नहीं है, बस के लिए आपको जो लुक और फील दे सकता है। और पूरा iOS वाला फीचर तो ऑब्वियसली आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बेसिकली कीबोर्ड है, ना कि आपको फीचर देखना मिलता है। तो हाँ, अच्छा फीचर है, iOS वाला लुक देखने मिल जाएगा, थोड़ा बहुत आपको इधर उधर और फीचर भी देखने मिलता है। और ये आपका जो है इस कीबोर्ड का लेआउट है, जो कि इसे आपको ओपन करने के बाद इसे आपका नाम है फेस बोर्ड, जो कि इसमें आपको जो है दो आपका थीम्स देखने मिलता है, एक आपका लाइट iOS का कीबोर्ड, एक आपका डार्क iOS का कीबोर्ड। फिर आपको कैरेक्टर प्रीव्यू देखने मिल जाएगा, शॉर्टकट देखने मिल जाएगा, और फिर आपको जो साउंड इफेक्ट्स देखने मिलता है, और ऐसा आपको कीबोर्ड देखने मिल जाएगा। साउंड ऑन की प्रेस और वाइब्रेशन ऑन लॉन्ग प्रेस, यूज सिस्टम वाइब्रेशन, ये सब आपको देखने मिल जाता है, और वॉल्यूम की फॉर लेफ्ट एंड राइट, ये सब भी आप जो एनेबल कर सकते हैं। तो ये आपका डिफॉल्ट जो है मतलब फीचर्स है जो कि आपका इस कीबोर्ड के ऐप में देखने मिलता है। अगर आपको इंस्टॉल करना है तो बेसिकली आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाओ डाउनलोड करो, और फिर जाओ डाउनलोड करके सेव करो, फिर जाओ फाइल मैनेजर में, APKs में जाओ, फेस कीबोर्ड 1.0.5 का जो है वर्जन देखने मिल जाएगा आपका, जाओ उसको टैप करो, टैप करने के बाद इंस्टॉल या अपडेट का इंस्टॉल का ऑप्शन देखने मिलेगा, इंस्टॉल में टैप करो, और इंस्टॉलेशन में 1 से 2 सेकंड या 3 सेकंड लगे चल चल, फिर इंस्टॉल हो जाएगा। फिर सेटअप करो कीबोर्ड को नॉर्मल कोई भी कीबोर्ड जैसा, जो कि बस ऑन करना है कीबोर्ड को, और बस हो गया कीबोर्ड नया वाला फेस बोर्ड, जो कि iOS इंस्पायर्ड कीबोर्ड है। ट्राई करो, बताओ कैसा लगे iOS इंस्पायर्ड कीबोर्ड। आई होप ये कीबोर्ड और ये वीडियो पसंद आओ, वीडियो पसंद आओ तो चाहो लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टैप करो, नोटिफिकेशन कॉल मेरे को, और ऐसा वीडियोज़ का वेट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आई होप सो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।